बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24, इसका हम क्लास सिक्स का जो साइंस का पेपर है वो स्टार्ट करते हैं। इसके मैंने दो पेपर जनरेट किए हुए थे, उनकी मैंने वीडियो बना दी है। अब ये एक नया पेपर है, इसको हम स्टार्ट करते हैं, जिसकी ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन नंबर 1, द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स इज, कि तमाम जानदारों की साख्त और फेल की बुनियादी इकाई है। इसका आंसर आएगा ए वाला सेल। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ह्यूमंस, के इंसानों में ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स की दुरुस्त तरतीब की शिनाख्त करें। इसका आंसर आएगा बी वाला, MKNL। अब इससे नेक्स्ट है इसका थर्ड वाला क्वेश्चन, जिसका आंसर आएगा ए वाला सेल वाल। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसका आंसर आएगा ए वाला एंथर टू स्टिग्मा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसका आंसर आएगा ए वाला पोलन ग्रेन। क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर आएगा ए वाला टेस्टा। क्वेश्चन नंबर 7 जो आंसर है, इसका आंसर आएगा ए वाला मिल्क एंड मीट, दूध और गोश्त। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर आएगा ए वाला ईटिंग अ लॉट ऑफ फाइबरस फूड। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर आएगा सी वाला स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 10 जो आंसर है, इसका आंसर आएगा बी वाला पैंक्रियाज। ये थी इसकी ऑब्जेक्टिव। अब हम इसकी सब्जेक्टिव जो आंसर है वो स्टार्ट करते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम। इसका आंसर आएगा ये इंग्लिश मीडियम के लिए और ये जो है उर्दू मीडियम के लिए। इससे नेक्स्ट है इसका बी वाला पार्ट, फ्रॉम द गिवन ऑर्गन्स आइडेंटिफाई विच आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल एंड विच आर प्रेजेंट अ प्लांट सेल, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और सेंट्रॉइड। ये बताना है ऑर्गन सेल्स में कौन से जानवर सेल्स में पाए जाते हैं और कौन से पौधे के सेल में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर आएगा ये वाला, ये है इसका आंसर इंग्लिश मीडियम के लिए और ये जो है उर्दू मीडियम के लिए। अब इससे नेक्स्ट इसका थर्ड वाला सी वाला पार्ट, डिफाइन सेल एंड गिव 3 एग्जाम्पल, के सेल की तारीफ करनी है और 3 मसाले देनी है। ये है इसका आंसर इंग्लिश मीडियम के लिए, उर्दू मीडियम के लिए। इससे नेक्स्ट आएगा इसका क्वेश्चन नंबर 12, जिसका ए वाला पार्ट है, डिफाइन पोलिनेशन, पोलिनेशन की तारीफ कर, राइट द नेम ऑफ इट्स टाइप, इसकी इकसाम के नाम लिखें। यह है इसका आंसर इंग्लिश मीडियम के लिए और ये आंसर है इसका उर्दू मीडियम के लिए। अब इससे नेक्स्ट इसका बी वाला पार्ट, राइट द नेम ऑफ 3 पार्ट्स ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ अ सीड, बीज के एम्ब्रियो के 3 हिस्सों के नाम लिखने हैं। इसका आंसर आएगा ये वाला। अब इससे नेक्स्ट आएगा इसका सी वाला पार्ट, राइट टू डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका आंसर आएगा ये इंग्लिश मीडियम के लिए और ये जो है उर्दू मीडियम के लिए। इससे नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 13, इसका ए वाला पार्ट है, राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के कोई से 4 हिस्सों के नाम लिखें। इसका आंसर आएगा ये वाला, एसोफिगस, स्टमिच, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका बी वाला पार्ट, आइडेंटिफाई द डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग, के दी गई खराबियों में से डाइजेस्टिव सिस्टम की खराबियों की निशानदेही करें, डायरिया, कॉमन कोल्ड, हार्ट बर्न, कॉन्स्टिपेशन, नमूनिया, अल्सर और स्टमिच एच। इसका आंसर रहेगा ये वाला इंग्लिश मीडियम के लिए और ये जो है उर्दू मीडियम के लिए। अब इसका लास्ट वाला पार्ट है, हाउ डज डाइजेस्टिव अकर इन स्टमिच एंड स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस। इसका आंसर आएगा ये जो है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और ये जो है उर्दू मीडियम वालों के लिए। और यहाँ पर हमने ये पेपर कंप्लीट कर लिया हुआ है। अल्लाह हाफिज़।